सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके YouTube चैनल SRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, माह अगस्त की शिक्षक संकुल मासिक बैठक के संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशक परियोजना कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। अगस्त के मीटिंग के मुख्य एजेंडा इस प्रकार से होंगे, निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट का उपयोग और खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षक संकुल मासिक बैठक का पाक्षिक एजेंडा, शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन, संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग, छात्रों का आकलन एवं रेमेडियल, और साथियों ये किस तारीख को ये मीटिंग होगी और किस टाइम से किस टाइम तक होगी, सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है और ध्यान से देखेंगे क्या इसके मुख्य एजेंडा रहेंगे शिक्षक संकुल मासिक बैठक के। शिक्षक संकुल हित माह अगस्त 2023 की बैठक हित एजेंडा एवं मंथली टास्क के संबंध में, ये 16 अगस्त 2023 का आदेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से यह आदेश, जिला वरिष्ठ अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हित। विषय शिक्षक संकुल हित माह अगस्त 2023 की बैठक हित एजेंडा एवं मंथली टास्क के संबंध में। महोदय महोदय, आप अवगत है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 9 मई 2023 द्वारा शिक्षक संकुल के विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं। उक्त के संबंध में जनपद के समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रभावी प्रदर्शन करते हुए शिक्षक संकुल विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने का तथा लक्ष्य प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिमाह शिक्षक संकुल बैठक के आयोजन हेतु एजेंडा एवं मंथली टास्क प्रेषित किए जा रहे हैं। तत्क्रम में निम्नवत निर्देशित किए जाते हैं। माह अगस्त 2023 में शिक्षक संकुल बैठकों का संलग्न एजेंडा के अनुसार आयोजन सुनिश्चित किया जाए। समस्त शिक्षक संकुल द्वारा माह अगस्त 2023 में निम्नलिखित मंथली टास्क पूर्ण किए जाने हैं। मासिक शिक्षक संकुल बैठक निर्धारित एजेंडा के अनुसार माह अगस्त के तृतीय मंगलवार दिन 15 अगस्त 2023 के स्थान पर चतुर्थ मंगलवार अर्थात दिनांक 22 अगस्त 2023 को अपराह्न 2 से 4 बजे के मध्य आयोजित की जाए। समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने विद्यालय को माह दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। समस्त शिक्षक संकुल अपने विद्यालय के शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण लक्ष्य ऐप के महत्व व उपयोग के संबंध में अवगत कराएं तथा उससे संबंधित डिजिटल कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा भी किए जाएं। अपने संकुल के शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों को अभ्यास कराना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों रिसोर्स पर्सन की क्षमता वृद्धि हेतु YouTube के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्न वीडियो और क्विज प्रदान किए जा रहे हैं। निपुण भारत मिशन की एकेडमी रणनीति, ये लिंक bit.ly/nipunstrategy और दूसरा मास्टर जी की मोटिवेशनल वीडियो bit.ly/digital-training-gb2 और इस प्रकार से तीसरा है उजाला मैडम का जादू का पिटारा bit.ly/digit-training-v3 और फोर्थ है क्विज का लिंक bit.ly/nipunquiz4। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करें, जिससे कि शिक्षक संकुल विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बोधी मधुसूदन हुलगी, अपर राज परियोजना निदेशक। ये साथियों, यहाँ शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा अगस्त 2023 का संलग्न है। शुभारंभ बैठक के वातावरण को सहज एवं सीखने सिखाने के लिए अनुकूल बनाना और नोडल शिक्षक संकुल ARP के द्वारा बैठक में सभी प्रतिभागी समय से पहुंचे, किसी भी चर्चा के दौरान गोलाकार बैठें, नोटबुक एवं पेन साथ रखें एवं बैठक के दौरान आवश्यक सुझावों को लिखते रहें। बैठक की शुरुआत एवं कविता, गीत या गेम से
करें जिसमें सब भागीदार बने ताकि एक सकारात्मक एवं सहज माहौल बन सके। ये 5 मिनट का रहेगा और पृष्ठभूमि जिला स्तरीय बैठक से संकुल बैठक में सम्मिलित करना। एआरपी पिछली जिला स्तरीय मीटिंग के मुख्य बिंदुओं को सभी के साथ साझा करना 5 मिनट। संदर्भ रहेगा ब्लॉक स्तरीय शिक्षक संकुल के साथ की गई तैयारी, बैठक के निर्णयों से परिचय एवं संकुल बैठक के उद्देश्य से परिचय। नोडल शिक्षक संकुल के द्वारा और ये पिछले शिक्षक संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं, चुनौतियों पर किए गए कार्य पर चर्चा और लिए गए निर्णयों की समीक्षा और उसके अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। दूसरा बिंदु शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल में शिक्षकों की प्रगति पर चर्चा करना। जैसे पिछले शिक्षक प्रशिक्षण में 2 से 3 मुख्य बिंदु बताएं जो आपके लिए नया था। पिछले शिक्षक प्रशिक्षण के बाद अपने कक्षा में क्या नया करने का प्रयास किया है। ये 10 मिनट का समय निर्धारित। 4. निपुण भारत फाउंडेशनल टूल किट वीडियो को सभी शिक्षकों के साथ देखना एवं वीडियो के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना। जैसे क्या आप दिखाए गए निर्देशानुसार टूल का कक्षा में उपयोग करते हैं, कैसे आदि। इसके पश्चात कक्षा 1 से 3 की शिक्षण योजना क्रियान्वयन हेतु उपकरण निर्माण प्रस्तुतिकरण समूह कार्य। कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों के समूह, कक्षा 4 से 5 के शिक्षकों के समूह, कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के समूह। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कार्य विभाजन के रूप में पिछले खंड में तैयार की गई शिक्षण योजनाओं से संबंधित कार्य पत्रक और आकलन पत्रक उप समूह बनाना एवं प्रस्तुतिकरण की तैयारी करना। बड़े समूह में प्रस्तुतिकरण करना। कक्षा 1 से 3 के लिए निर्धारित मासिक प्राथमिकताएं एजेंडा के अंत में उल्लिखित है। और इसी प्रकार से TLM बनाना कक्षा 4 से 8 में, जैसे कार्य पत्रक निर्माण, कहानी लेखन, विज्ञान संबंधी मॉडल का निर्माण आदि, तथा उप समूहों में तैयारी करना। प्रस्तुतिकरण से संबंधित मुख्य बातें, प्रस्तुतिकरण के लिए सभी समूहों को 5 से 6 मिनट का समय मिलना चाहिए। प्रस्तुतिकरण डिमॉन्स्ट्रेशन के उपरांत शिक्षक बड़े समूह में प्रस्तुतिकरण पर अपने अवलोकन, सकारात्मक बिंदु एवं सुझाव साझा करेंगे। और ये शिक्षण योजना का पठन निर्माण 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण होगा। इसी प्रकार से 7वां बिंदु जो रहेगा, मासिक विषय आधारित चर्चा। अगस्त 2023 पर विषय गतिविधि आधारित शिक्षण सभी कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों द्वारा। इस प्रक्रिया में बैठक में सम्मिलित सभी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक सम्मिलित हों। ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, इस प्रक्रिया में बैठक में सम्मिलित सभी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक सम्मिलित हों, यानी अनिवार्य किया गया है सभी की उपस्थिति। तो यहाँ पर प्रत्येक शिक्षक की उपस्थिति भी संकुल शिक्षक बैठक में होगी। गतिविधि आधारित शिक्षण का संक्षिप्त परिचय। कक्षा में शिक्षकों द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण आयोजित करने हेतु रोल प्ले गतिविधि। कक्षाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण आयोजित किए जाने से संबंधित अपने संकुल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को समूह के साथ साझा करना। जो अच्छा कार्य शिक्षक कर रहे हैं उनकी कार्य योजना बहुत अच्छी है, ऐसे शिक्षकों को मॉडल के रूप में वहाँ पर वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताएं, ताकि अन्य विद्यालयों में भी निपुण भारत निपुण विद्यालय बनाने हेतु उन्हें सहयोग से मिल सके। गतिविधि आधारित शिक्षण से संबंधित वीडियो समूह के साथ साझा करना। ये प्रक्रिया 15 मिनट की रहेगी। इसके बाद निपुण विद्यालय बनाने हेतु हाई पॉइंट टूल किट है। पहला, हेडमास्टर टीचर शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन, संदर्भित आधारित शिक्षण योजना का उपयोग। तीसरा, छात्रों का आकलन एवं रेमेडियल। चौथा, समुदाय सहभागिता एवं अभिभावक के साथ संपर्क। 5वां, शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध। ये 5 पॉइंट टूल किट यदि आपने अपने विद्यालयों में सुनिश्चित कर लिया तो आपका निपुण विद्यालय अवश्य समय पर बन सकता है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था जो शिक्षक संकुल बैठक अगस्त माह की थी, एजेंडा था। यदि आप सहमत हैं, इस वीडियो से पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से शिक्षक समूहों में इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये 5 पॉइंट टूल किट और जो आपकी
मीटिंग है, बैठक है, एजेंडा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।